Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास टेक्नो का केमोन 20 प्रो है तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आज, आज आपको बताने वाला हूँ इसी फोन के टॉप तो 50 प्लस टिप्स एंड टिक्स और कुछ हिडन फीचर्स जिनका यूज करके इस फोन को आप शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाओगे और भी बढ़िया बना पाओगे ऐसे ऐसे अमेजिंग हिडन फीचर इस फोन में दिए गए हैं जिनका यूज आपको जरूर से करना चाहिए अगर आप उन फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आप इस फोन के अंदर दो एप्स को एक साथ यूज कर सकते हो मतलब दो ऐप आपको एक ही स्क्रीन पर चलाना है एक साथ तो बहुत आसानी से चला सकते हो पहले किसी भी एक ऐप्स को ओपन कर लीजिए जिसके बाद आपको रिसेंट बटन प्रेस करना है और यहाँ इस आइकन पर क्लिक कर लेना होगा यहाँ स्प्लिट स्क्रीन देखने को आपको मिल जाएगा जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका स्प्लिट स्क्रीन कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है अब नीचे की ओर किसी दूसरे एप्स को आप ओपन कर सकते हैं जो कि यहां पे हाईलाइट में आपको शो हो रहे हैं अब किस एप्स का आप यूज करना चाहते हैं नीचे साइड वो आपको ओपन कर लेना है अब जैसे कि आप चाहते हैं यहाँ पे अपने प्ले स्टोर को ओपन करना तो यहाँ पे आपका प्ले स्टोर होगा ऊपर आपका यूट्यूब होगा आप चाहे तो ऊपर वाले को नीचे नीचे वाले को ऊपर भी आप कर सकते हो इसके लिए आप इस आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक कर लीजिए अब नीचे वाला ऊपर

माई वीडियो आपको क्लिक करके पैलेस के आइकन पर जाना है अगर गैलरी में से किसी वीडियो को आप सेट करना चाहते हो तो यहां ओके कर लेना है अब आपके यहां पे देखने को मिलेगा ए आई गैलरी इस पर आप क्लिक करेंगे अब आपके वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे तो सिंपल इस तरह से उस वीडियो पर क्लिक कीजिए जो भी कॉल बैकग्राउंड के लिए आप लगाना चाहते हो और यहां अप्लाई कर दीजिए अब कॉल आएगी तो जो वीडियो आपने सेलेक्ट की है वही वीडियो आपकी कॉल बैकग्राउंड के लिए देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से कॉल बैकग्राउंड के इस फोन के अंदर आप चेंज कर सकते हो आप इस फोन के अंदर कॉल आने पर ये जान सकते हो फ्लैश लाइट की मदद से कि आपके फोन पे कॉल आ रहे हैं मतलब कॉल लाइट फ्लैट जो नोटिफिकेशन आ रहा था उसको आप ऑन कर सकते हो जिसके लिए आपको डायलर में जाना है सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है और फ्लैश फॉर कॉल के लिए ऑन कर देना है अब आपके फोन पे कॉल आएगा तो फ्लैश लाइट आपका ब्लिंग होना शुरू हो जाएगा इस फोन में फ्रेंड्स आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर सकते हो जिसके लिए आपको डायलर में जाना है सेटिंग आइकन पर क्लिक कर लेना है आपको देखने call, को मिलेगा ऑटो रिकॉर्ड कॉल इस फीचर को ऑन करके सभी नंबर की आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर पाओगे इस फोन में स्क्रीन लेने के आपको छह अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एन पावर बटन एक साथ प्रेस करेंगे स्क्रीन शॉट आ जाएगा फिर आप थ्री फिंगर से स्क्रीन पर डाउन करेंगे तब भी आप इस फोन में को ले पाएंगे अगर थ्री फिंगर से स्क्रीन डाउन करने पर नहीं आ रहा है तो वो भी बताएंगे आप कैसे ऑन कर पाएंगे इसके अलावा अपने कंट्रोल पैनल को जब आप ओपन करते हैं स्क्रीन शॉट देखने को मिलेगा इस साइड आपको क्लिक करना है यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये ऑप्शन इस पर आप क्लिक कीजिए अब तीन अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे अब आपको अगर अपनी एरिया के हिसाब से सेलेक्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके रखिए और जिस एरिया का चाहिए उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ क्लिक करके गैलरी में इसको आप सेव कर पाएंगे अगर आप

अब जिस एरिया का स्क्रीन शॉट आपको गोल टाइप बनाना है वो आप यहाँ आके सेलेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह से स्क्रीन शॉट ये बनेगा आपको यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लेना है अगर आप इस फोन में लॉन्ग स्क्रीन शॉट को लेना चाहते हैं तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में जाइए एक नॉर्मल स्क्रीन शॉट को क्लिक कीजिए यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली स्कॉल होना शुरू हो जाता है वैसे चाहे तो अपने हिसाब से भी इसको इस तरह से स्कॉल करा के आप लॉन्ग कर सकते हैं सेव करने के लिए डल पर आपको क्लिक करना होगा और इस आइकन पर क्लिक करना होगा तो ये गैलरी में आपका सेव हो जाता है तो इस तरह से कर सकते हैं इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड पार्ट देखने को मिलता है तो इसको आपको इस तरह से ओपन करना है यहाँ पर भी स्क्रीन देखने को मिल जाएगा इस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली इस फोन में स्क्रीन को बना पाओगे इस फोन में फ्रेंड्स आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है मतलब जितनी जीबी का रैम है उतना ही रैम इस फोन का आप और भी बढ़ा सकते हैं

इस फोन में फ्रेंड्स आप लॉक को सेट कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट फीचर देखने को मिल जाता है जिसके लिए फोन मास्टर नाम का एप्लीकेशन फोन के अंदर देखने को मिलेगा इसको ओपन करने के बाद यहां से करेंगे आप स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन करने के बाद लॉक यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा इस पर क्लिक करके आप लॉक सेट कर सकते हैं जो भी लॉक के लिए आप रखना चाहते हो तो यहाँ के लॉक कर सकते हो अगर आप इस फोन के अंदर एप्स को हाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं जिसके लिए फ्रेंड्स फोन मास्टर एप्लीकेशन को ही ओपन कर लेना है यहाँ पर स्कॉल डाउन करने पे आपको बॉल्थ का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करके आपको यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना है एक प्राइवेसी पासवर्ड को सेट करने के बाद आप बहुत आसानी से उसको हाइड कर पाएंगे जो भी आपने हाइड करना चाहे ऐप या फिर अपने फोटो एंड वीडियो तो एक प्राइवेसी पासवर्ड में आप हैश भी कर सकते हैं और यहाँ जो मर्जी चाहे वो लॉक को सेट कर सकते हैं या जो भी लॉक डाला था वो आपको देखने को मिल जाएगा ओके करने के बाद यहाँ स्किप करके आपको यहाँ एप हाइड और फोटो हाइड वीडियो हाइड सभी ऑप्शन मिल जाते हैं तो जो भी हाइड करना चाहते हो आप बहुत आसानी से कर पाओगे इस फोन में आपको मिनी विंडो का भी सपोर्ट मिल जाता है किसी भी एप्स को आप मिनी विंडो में यूज करना चाहते हो तो पहले उस एप्स को ओपन कर लीजिए इसको ओपन करने के बाद आपको रीसेंट बटन प्रेस करके रखना होगा तो ये आपका इस तरह से ओपन हो जाता है मतलब विंडो में ये आ जाता है अब इसके अलावा नीचे बैकग्राउंड के अंदर किसी भी दूसरे एप्स का आप यूज कर पाएंगे ये विंडो सामने आपकी ओपन रहेगी अगर चाहे तो आप इसको पॉपअप में भी डाल सकते हैं जिसके लिए आपको इस तरह से क्लिक कर देना तो ये पॉपअप में भी ऑन हो जाती है इस तरह से इस पर क्लिक करेंगे तो फुल से आपको वहीं आ जाएगा और भी रिसाइज आप आपको कर सकते हो तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा अगर है, इसको फुल स्क्रीन में करना तो इस आइकन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में ला सकते हो अगर क्लोज करना है तो यहां क्लिक करके आप इसको क्लोज भी कर पाएंगे

कर पाओगे ऑप्शन मिल जाएंगे मतलब किसी टूल को भी आप लगाना चाहें तो वो भी रख सकते हो जिसके लिए आपको टूल पर क्लिक करना होता है या अलग अलग तरह के आपको टूल कंट्रोल मिल जाते हैं तो जिनमें से आपको जो भी सेट करना है वो आप कर सकते हो, और यहाँ से रिमूव करना है तो आप उसको भी रिमूव कर पाओगे तो जितना आप कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे अपने टूल के लिए वो अपने हिसाब से आप कर लीजिए जो भी शॉर्टकट का वगैरह आपको यूज करना है यहाँ पे आपको कर लेना है तो इस तरह से आपको इस फोन के अंदर स्मार्ट शॉर्टकट बार भी देखने को मिल जाएगा इस फोन में फ्रेंड्स आपको सोशल टर्बो का काफी अमेजिंग फीचर मिल जाता है जैसे कि आपके व्हाट्सएप रिलेटेड वो काफी अच्छे से काम आने वाला है आप किसी का स्टेटस वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं व्हाट्सअप वगैरह की तो बहुत आसानी से कर सकते हो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रहती तो उसको सेट करने के लिए सबसे पहले तो फोन की सेटिंग में जाइए और यहाँ पे आने के बाद आपको कॉल डाउन कर लेना है जिसके बाद यहाँ पर आपको स्पेशल फंक्शन पर जाना है या आपको देखो मिलेगा सोशल टर्बो इस पर क्लिक करके आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है और अपना व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल कर लेना होगा जो कि यहाँ पे आपको पहले नोटिफाई ये कर देगा अब वॉइस चेंजर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे जब भी किसी से बात करेंगे तो वॉइस को चेंज कर सकते हो ये काफी चीटिंग मतलब चीट फ्यूचर रहता है वो आपके काम आने वाला है यहाँ पे व्हाट्सएप में तो जैसे कि आप चाहते हो किसी से किसी के साथ चीट वगैरह करना तो आपको ये ऑन कर लेना होगा अब आपकी व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल हो रही है तो आप अपनी वॉइस को चेंज करके उधर चीट कर सकते हो तो भाई आप आसानी से जिस तरह की बात करना चाहो किसी से कर पाओगे आपकी व्हाट्सएप से बात होती रहेगी मतलब वॉइस को चेंज करके कर पाओगे इसके अलावा आप वॉइस रिकॉर्डर भी कर सकते हो व्हाट्सएप की तो वो ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा इस इसको क्लिक करके अगर चाहते हो सभी नंबर की आपकी और यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्ड है वो ऑन हो जाए व्हाट्सएप की तो आप यहाँ क्लिक करके उसको भी ऑन कर पाओगे और रिकॉर्डिंग सुनना

और जब उस पर क्लिक कर देंगे तो ये पीक मोड में कुछ इस तरह से आपको शो कराया जाएगा यहाँ पे आपको देखने को मिला मतलब मिनी विंडो जो बोलते हैं पॉपअप में आपका वो चला जाएगा तो पीक मोड इस तरह से आपका ऑन हो जाता है स्टीकर मेकर मिल जाता है इस फोन के अंदर जो कि आप व्हाट्सअप में काफी अच्छे से यूज कर पाओगे आप अपने फेस का इमोजी मतलब बना, बना सकते हो यहाँ पे आपको अपना कोई फोटो वगैरह कर, क्लिक करना है तो इस तरह के आप इमोजी बना पाओगे तो ये ए आई का काफी अच्छा फीचर्स फोन का दिया गया है जिसका यूज करके आप अपने स्टीकर की मदद से किसी से चैट वगैरह करेंगे तो अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपने स्टीकर भेज के यूज कर सकते हैं बैक बटन को प्रेस करने के बाद आपको देखने मिल जाता है फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन का ऑप्शन इसको ऑन करने पर आपके व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज वगैरह आएगा तो आप उसको बहुत आसानी से जान पाओगे कि वहाँ भाई व्हाट्सएप में मैसेज आया तो उसको चेक करना चाहिए तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको व्हाट्सएप रिलेटेड काफी अच्छे फीचर्स फोन में दिए गए हैं आपके फोन की लॉक स्क्रीन होगी और आप जैसे स्क्रीन पर सी टाइप करेंगे आपका कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा जैसे कि लॉक स्क्रीन है और यहाँ पर सी को हम टाइप कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कैमरा एप्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा तो इस फीचर को कैसे ऑन कर सकते हैं और यहां पे क्या क्या आप ऐड कर पाएंगे चलिए इस वीडियो में बताते हैं तो अभी आप अपने फोन की सेटिंग में जाइए फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां से कॉल डाउन करना होगा फिर से आपको स्पेशल फंक्शन पर क्लिक कर लेना होगा अब आपको यहां से कॉल डाउन करने के बाद माइक्रो इंटेलिजेंस पर क्लिक करना है यहाँ आपको देखने मिल जाता है स्टार्ट इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये फीचर मिल जाएंगे अलग अलग जैसे कि कैमरे को एप्स को ओपन करना है तो सी टाइप करके कर सकते हैं अगर गाने को प्ले करना है तो एम टाइप करके आप गाने को प्ले कर पाओगे और से आप चाहे तो अपने हिसाब से रख भी सकते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए आप रखना चाहते हो तो क्लिक करना होगा तो यहाँ पे, पे, तो पे, 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 तो पे ओपन हो जाएगा तो आप देख सकते हो मैंने डब्ल्यू को टाइप किया डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर एक्सेस हो गया है तो अपने किसी भी फेवरेट एप्स को आप एड करना चाहते हो तो लॉक स्क्रीन से ही डायरेक्ट आप उसको एक्सेस कर पाओगे क्योंकि आपको काफी अच्छे अच्छे अलग अलग फीचर मिल जाएंगे जेड एन आपको ओ एन e, ई आपको एस सी भी मिल जाता है तो अलग अलग शॉर्टकट मिल जाएंगे जो कि आप यहां से रिप्लेस भी कर सकते हो और अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो यहां पे का ऑप्शन मिलता है तो यहां से आप बाई फाइव ब्लूटूथ फ्लैश लाइट वगैरह भी आप रख सकते हो अब जैसे कि मैं फ्लैश लाइट को क्लिक कर देता हूं अब जैसे कि मैंने फ्लैश लाइट सी टाइप करने पर ओपन किया है अब सी को मैं टाइप करूंगा लॉक स्क्रीन होने पर ही तो आपके डायरेक्टली फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा तो इस तरह से फ्रेंड जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से सेक्ट करके रख सकते हो आप चाहें तो लॉक स्क्रीन पे इस फोन के अंदर गाने को प्ले कर सकते हो आपको अनलॉक करने की जरूरत नहीं रहेगी स्पीकर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए आपको स्पेशल फंक्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो माइक्रो इंटेलिजेंस पर क्लिक करना होगा अब आपको अगर गाने प्ले करना है लॉक स्क्रीन पर तो म्यूजिक जैसर को आपको यहाँ आके ऑन कर लेना होगा अब गाने को प्ले करने के लिए आपको वन फिंगर से इस तरह से डाउन करना होगा स्क्रीन लॉक होने पर ही आपका गाना प्ले हो जाएगा गाने को नेक्स्ट करने के लिए इस तरह से क्लिक करके गाने को नेक्स्ट कर पाएंगे गाने को प्रेव्यू करने के लिए इस तरह से क्लिक करना होगा गाना प्रेव्यू हो जाएगा गाने को बंद करना चाहते हो तो वन फिंगर से अप करके गाने को आप स्टॉप भी करा सकते हो तो ये काफी अच्छा फीचर इस फोन के अंदर मिल जाता है एक स्टेप वापस आने के बाद फ्लिप म्यूट का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करके आप चाहे तो किसी भी कॉल को म्यूट पर रख सकते हो फोन तो को फ्लिप करके रख देना होगा आपका कॉल म्यूट हो जाएगा तो इस तरह से फ्लिप म्यूट का भी आप इस फोन के अंदर यूज कर सकते हो

ऑटोमेटिकली फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी जैसे फोन मान लीजिए आपका फोन टेबल पर रखा हुआ है जैसे आप इसको पिकअप करते हैं स्क्रीन इसकी ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है तो इस तरह से फ्रेंड्स आप राइसू बैक का यहाँ से आके यूज कर सकते हैं एक स्टेप वापस आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है आंसरिंग कॉल विद इस फीचर को ऑन कर लेंगे तो आप फोन को विदाउट टच किए आंसर कर सकते हो कॉल को और विदाउट टच की कॉल को डिसकनेक्ट भी कर सकते हो मतलब फोन आपका इशारों में काम करने वाला है तो सिंपल इस फीचर को ऑन करने के बाद टू फिंगर दिखा के कॉल को आप आंसर कर पाओगे अगर फाइव फिंगर दिखाते हैं इस तरह से तो कॉल को रिजेक्ट कर पाओगे और ये सब करने के लिए आपको बीस सेंटीमीटर की दूरी से ये सब करना होगा तभी आपका ये जैसर वाला फीचर काम आएगा तो इस तरह से फ्रेंड कॉल को आंसर एंड डिसकनेक्ट भी कर सकते हो जब आप अपने फोन का रिसेंट बटन प्रेस करते हो तो यहाँ पे जितनी भी एप्स ओपन रहते हैं उनका यहाँ पे कॉन्टेंट शो होता है आप चाहे तो

इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाता है क्योंकि इस फोन में सुपर एमड डिस्प्ले तो इसको ऑन करने के लिए आपको काफी कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा ऑन करने के साथ साथ काफी अच्छे से उसको कस्टमाइज कर सकते हो तो उसके लिए फोन की सेटिंग में जाके जाने के बाद आपको पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना होगा इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव बालपेपर वगैरह सेट कर सकते हो और अपने स्ट्रिक बॉल वगैरह सेट कर पाएंगे ऑनलाइन बाल को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तो यहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो आपको क्लासिक कॉल ब्लॉग्स देखने को मिलती है तो यहाँ से क्लासिक एनालॉग क्लॉक को आप, आप सेट कर पाओगे और यहाँ पे कई अलग अलग तरीके आपको फ्लावर्स कलरफुल मतलब जो डिजाइन वगैरह है वो देखने को मिल जाएंगी तो काफी अच्छे कस्टमाइजेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं अगर अपने हिसाब से कुछ नाम वगैरह आप सेट करना चाहते हो तो पहले किसी भी एक कस्टमाइजेशन को सेलेक्ट कीजिए आप यहाँ पे किस तरह का उसका कलर आप शो कराना चाहते हैं यहाँ पे अपना टाइम एंड डेट को शो कराना चाहते हैं नहीं ये सब आप सेट कर सकते हो तो जितना आप कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे आके अपने हिसाब से कर लीजिए तो सभी कस्टमाइजेशन आपको यहीं पर मिलेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जो कि यहाँ पे आप आके कर पाओगे आप इस फोन की स्क्रीन को काफी अच्छे से जैसर से यूज कर सकते हैं मतलब काफी अच्छे से जैसा स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं जो कि वन फिंगर के डाउन बनने यूरोप को सेट किया हुआ है आप टू फिंगर से किसी भी एप्स को लगा सकते हैं पिंच इन एंड आउट करके लगा सकते हैं बहुत अलग अलग आपको जैसे मिल जाएंगे जिनको बहुत अच्छे से आप कस्टमाइज करके रख पाओगे इसके लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा या डेस्कटॉप सेटिंग पर चले जाना है जिसके बाद जैसर पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग कंडीशन में सभी फीचर मिल जाएंगे जैसे कि अभी आप स्लाइड अप करते हैं तो सभी एप्स आपके ओपन हो जाते हैं जो कि आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे ऑल एप्स अगर इसके अलावा आप स्लाइड डाउन बन फिंगर से क्या रखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करती है आपके सभी ऑप्शन खुल जाते हैं जैसे कि नोटिफिकेशन बार ओपन होना चाहिए कि सर्च ऑन होना चाहिए या फिर वॉइस सर्च आपकी लॉन्चर सेटिंग हिडन एप या फिर आपके स्टार्ट एप्स जब आप स्टार्ट एप्स पर क्लिक करेंगे तो फोन के अंदर जितने भी हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे अब किसी भी को लगाने के लिए उसके ऊपर आपको सेलेक्ट करके ओके करना होगा जो भी सेलेक्ट किया है वन फिंगर से डाउन करने पे आप उसको एक्सेस कर पाओगे तो मैंने कैमरे को सेलेक्ट किया डायरेक्ट कैमरा एप्स ओपन हो गया तो जो भी जैसा आपको यहाँ पे सेट करना है वो कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है स्लाइड अप से है डाउन से है टू फिंगर्स पिंच से पिंच और आउट ये सभी ऑप्शन मिलेंगे तो काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो आप अपनी होम हो स्क्रीन के लिए अभी आप अपनी फोन की जो स्क्रीन है उसको पेज को चेंज करते तो यहाँ पे आपको कोई ट्रांजेक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलता मतलब सिंपल पेज चेंज होता है यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को एड कर सकते हो इसके लिए स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करके रखना ना होगा डेस्कटॉप सेटिंग पर क्लिक करके आपको अपेयस पर क्लिक करना है अब यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है पेज टर्न ऑन इफेक्ट इसको क्लिक करके आपको अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे जो भी आपको अच्छा लगे उसको आपको सेलेक्ट करना है और वापस यहाँ से आ जाना है अब आप पेज को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका इफेक्ट एड हो जाता है आपका जो आइकन देखने को मिल करके आपको रखना होगा तो टैप एंड होल्ड रखने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से डेस्कटॉप सेटिंग पर जाना है और डेस्कटॉप की सेटिंग पर जाने के बाद फिर से आप लिंस पर क्लिक करना होगा अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आइकन साइज इस पर क्लिक करके आप कितना ज्यादा बड़ा रखना चाहते हैं आइकन साइज वो आप सेलेक्ट करके रख सकते हो बेकोन को प्रेस करने के बाद आपको टेक्स कलर देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करके आपको तीन अलग अलग कलर मिल जाते हैं जैसे कि ऑटो व्हाइट एंड ब्लैक इसको सेट कर सकते हैं इसके अलावा जब आप कस्टम पर क्लिक करेंगे तो किसी भी आप कलर को सेलेक्ट कर पाओगे तो जैसे कि ये सेलेक्ट किया डन करेंगे अब होम स्क्रीन पर जाने के बाद आप टेक्स का जो फॉन्ट कलर देख रहे हैं वो चेंज हो गया तो इस तरह से आप चाहे तो इसको बदल सकते हो इस फोन में फ्रेंड्स आपको डार्क मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है जिसका यूज करके इस फोन की बैटरी लाइफ को आप और भी ज्यादा सेव कर सकते हो मतलब बैटरी को और भी ज्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हो तो उसको ऑन करने के लिए डार्क

हो जाएगा तो इस तरह से आप उसको भी सेट कर सकते हैं अगर आपको नाइट मूड नाइट में ही लगाना है तो आप उसको भी लगा सकते हैं और यहाँ पे अगर डार्क मूड को आपने दिन में यूज करना चाहते हैं तो दिन में भी आप सेट कर सकते हैं इस फोन में फ्रेंड्स आपको ढोल एप्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है किसी भी एप्स का ढोल एप बनाने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे स्पेशल फंक्शन पर क्लिक करना है यहाँ करने पेगा पे तो कर फोन तक यूज करते हैं तो आपको आई केयर का जरूर से यूज करना चाहिए जो की आपको आई केयर यहां देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करते फोन की जो स्क्रीन है वो थोड़ी पीली हो जाती है इसमें होता क्या है आपकी आंखों के लिए ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और इसकी जो पीलापन है स्क्रीन का वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो कितना ज्यादा और कितना

इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको फ्लैश लाइट दोनों तरफ दी गई है जैसे कि फ्लैश लाइट आप फ्रंट वाली को ओपन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है यहाँ पे जो फ्लैश देखने को मिलेगी इसके ऊपर आपको इस तरह से क्लिक करना होगा यहाँ फ्रंट वाली इस फ्लैश लाइट को इस तरह से ऑन कर सकते हो और यहीं पर अगर बैक लाइट यूज करना है तो इस तरह से क्लिक करके बैक लाइट को ऑन कर पाओगे अगर दोनों लाइट एक साथ यूज करना है तो यही क्लिक करके आप यहाँ थ्री सिक्स के लिए सेलेक्ट कीजिए बैक लाइट भी ओपन हो जाएगी और फ्रंट भी आपकी ऑन हो जाती है तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये फीचर काफी अच्छा इस फोन के अंदर मिल जाता है इस फोन में फ्रेंड्स आपको का काफी अमेजिंग फीचर मिलता है जो कि आपको काफी ज्यादा सिक्योर भी करता है आपके फोन की सिक्योरिटी के लिए काफी अच्छा फीचर है उस फीचर को ऑन करने के लिए अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करके थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए एडिट शॉर्टकट पर आपको क्लिक करना होगा अब यहाँ से कॉल करने के बाद आपको थेप अलर पहले ऊपर ऐड करना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये यह ऐड हो जाएगा इसमें क्या है सबसे पहले तो आपका स्क्रीन लॉक सेट होना चाहिए तभी ये आपका काम करेगा अभी थे दो तरह से आपके काम आने वाला है एक तो आपकी चार्जिंग पे और आपके इयरफोन पर जब ये पार्टी वगैरह में गए हुए होते हैं और अपने फोन चार्जिंग पे लगा देते हैं अब जैसे आपके फोन का चार्जर कोई अनप्लग करेगा फोन के अंदर एक अलार्म आना शुरू हो जाएगा और जब तक अलार्म बोलता है जब तक आप अपने फोन का स्क्रीन लॉक सेट नहीं कर देते और यहाँ तक कि फोन को अगर कोई स्विच ऑफ करना चाहेगा तब भी आपका फोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा स्विच ऑफ भी नहीं होता तो काफी सिक्योरिटी दी गई है इस फोन में तो इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है है सिंपल अपना थेप अलर्ट जो फीचर उसके ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखना होगा अब यहाँ पे इस फीचर को ऑन कर लीजिए चार्जिंग डिस्कनेक्टेड मिलेगा और ईयरफोन आपको अनप्लगेड मिलेगा तो दोनों ही फीचर ऑन कर लेने दो तरीके काम करेंगे जब तक ये काम करेगा जब तक अपने फोन का स्क्रीन लॉक आप नहीं डालते फोन स्विच ऑफ भी नहीं होगा स्विच ऑफ हो भी गया किसी तरीके से ऑन करते ही फिर स्क्रीन लॉक में आपका जो स्क्रीन है उसमें आवाज आना शुरू हो जाएगा मतलब फोन आवाज करने लगेगा अलार्म जब तक बंद नहीं होगा जब तक आप फोन का स्क्रीन लॉक नहीं डाल देते तो काफी अच्छा फीचर

देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट ऑप्शन इस ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी स्क्रीन लॉक है वो आपको लगाना है और यहाँ पे आपको डायनेमिक अनलॉक इफेक्ट्स देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करके आपको अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपनी होम स्क्रीन पर अनलॉक करने पे इन इफेक्ट को देख पाओगे तो ये काफी अच्छा फीचर मिल जाता है यहाँ पे आप चाहे तो इनको बदल सकते हो ये काफी अच्छा फीचर है इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है लॉक सेट करने के लिए फोन के अंदर देखने को मिलेगा फोन मास्टर एप्लीकेशन इसमें जाइए एप लॉक लॉक पर क्लिक करके एप को आप सेट कर सकते हो अगर आप एप, एप्स को हाइड करना चाहते हो या फिर फोटो वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर रिकॉर्डिंग को हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहीं पर बॉल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा इस पर क्लिक करके आपको कोई भी प्राइवेट पासवर्ड सेट कर लेना है और सेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा तो यहाँ से क्लिक करके फोटो को हाइड कर पाओगे वीडियो को यहां से क्लिक करके कर सकते हैं एप्स अपनी रिकॉर्डिंग को यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट्स को भी आप हाइड कर पाओगे अगर आपको डिटेल्स में इनके बारे में जानना है तो मैंने अलग अलग वीडियो बना के रखी हुई है प्ले लिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पे आपको अगर देखना है तो वहां जाके आप डायरेक्टली देख सकते हो वहां आपका कम समय में मैंने सब कुछ बताया हुआ है इस फॉर्म में आपको थी बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं इन्हें हटा के आप चाहे तो इस में नेविगेशन को सेट कर सकते हैं या फिर नेविगेशन सेट है आप थी बटन नेविगेशन को भी लगा सकते हैं इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करना है सिस्टम ऑप्शन पर क्लिक करना होगा देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन इस पर क्लिक करके आपको जैसे नेविगेशन सेट करना है आपके फोन के बटन हाइड हो जाएंगे और जैसे नेविगेशन इस फोन में आप यूज कर सकते हो इस तरह से क्लिक करने पे और यहाँ से भी क्लिक करने पे बैक कर सकते हैं और होम बटन आपका यहां आ जाता है रिसेंट एप्स आपके कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगे कुछ मिनी सेकंड के लिए आपको प्रेस करना होगा तो इस तरह से आप फोन के अंदर जैसे नेविगेशन को भी लगा पाएंगे इस फोन में आपको ऐप पिनिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है किसी भी एप्स को आप पिन कर सकते हो तो आसानी से जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाके सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा यहाँ से कॉल करने के बाद एडवांस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए पिनिंग का फीचर देखेंगे यहाँ पे आके आपको ये ऑन कर लेना है एंड ओके करना है अब आप किसी भी एप्स को पिन कर सकते हो ये कब कब काम आने वाला है चलिए वो भी बताता हूं जा... अब जैसे कि आपका फ्रेंड्स मांगता हैं भाई फोन देना मुझे थोड़ी देर के लिए फोन यूज करना है बोलेगा भाई मुझे गाने सुनना है तो सिंपल क्या करना है अपना यूट्यूब वगैरह ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा आपको रिसेंट बटन प्रेस करना होगा यहाँ पे और इस आइकन पर क्लिक करके पिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक करके कर देना है पर क्लिक अब यहाँ से वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि पिन हो चुका है अब

तो फ्रेंड्स ये थे कुछ अमेजिंग फीचर फोन के जिनके बारे में इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ आशा करते फ्रेंड्स ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बैलेंगे प्रेस करना ना भूलें तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक ऑन वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर